हाँ बोलिए भाई साहब, दो कमरे मिलेंगे? दो? सिर्फ एक है? चलेगा। ये हमारे देवर पप्पू जी यही पास ही के सोफे पर सो जाएंगे। क्यों देवर जी? ये ज्यादा हो रहा है, मैं नहीं सोऊंगा सोफे पर। सोफे पे भी सो जाऊंगा, आपकी आप क्या हो तो जमीन पे भी सो जाऊंगा। हाँ ये ज्यादा हो रहा है। किसके नाम पे रूम? मिस्टर एंड मिसेस बबलू कबूतर। बबलू कबूतर, ये क्या सर नेम है क्या? उड़ोगे कैसे है? तेरा नाम क्या है? मोहन कुमार परदेसी। तो हमारे देश में क्या कर रहा है? परदेश में जा रहा है। आधार कार्ड नहीं है, गाड़ी में बैग में है। और कोई आईडी? नहीं है। हम बिना आईडी का रूम नहीं देते हैं। अभी जो लेडी गई यहाँ से, उनकी कौन सी आईडी ली थी तूने? बता जरा। मुझे पता है ये तेरा चद्दर बदलू होटल है। दारू मिलेगी? मिलेगा ना। गनवली दुल्हनिया, मैं भी ये सोफे पर सो जाता हूँ। मेरा मतलब है हम दोनों एक ही कमरे में। क्या? तू मेरा रेप करेगा? चल चलेगा। 4,000। देवर जी सुबह रोड खुलेगा तो बता देना। चलो जी। आपकी भाभी पागल है क्या? पूछ रहे हो या बता रहे? एक बात बता रहे पट्टू, तेरी लड़कियों से सही में पटती है या सिर्फ तू मुझे इम्प्रेस कर रहा है? हाँ बट कोई चांस नहीं है। हाँ 2 दिनों में नैनीताल पहुंचते ही कपिल के घर वालों को मना कर कपिल से शादी। सॉरी। बहुत खुश है ना तू आज? बहुत। ले। मैं नहीं पीता। अरे तो मैं कौन सी बेवड़ी हूँ? ले। कभी कभी चलता है खुशी में दोस्त। दोस्त तो बोल सकती हूँ ना तुम्हें? माँ बाप को दुखी करके भी कोई खुशी मिलती है, ये पहली बार देख रहा हूँ। तुम उसका टेंशन एकदम मत लो। मेरे माँ बाप 2-3 दिन तक दुखी रहेंगे और फिर खुश हो जाएंगे। लेकिन शायद मैं वो शादी करती तो शायद मैं जिंदगी भर दुखी रहती। तो मना कर देती रिश्ते के लिए? पापा नहीं मानते, यू नो समाज में उनकी इज्जत प्रेस्टीज एंड ऑल। मजा तो तब आया जब पता चला कि लड़का डिफेक्टिव है। ना उसके घर वाले मान रहे थे और ना ही मेरे। फिर मैं क्या करती? कपिल से प्यार करती है। 8 महीनों से अफेयर चल रहा है हमारा। तो उसकी शादी में गई थी कानपुर, वहीं मुलाकात हुई। 4 दिन में प्यार। 4 दिन? प्यार तो एक पल में ही हो जाता है, मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा और उसे भी। ए, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? देख झूठ मत बोलना। हाँ क्या बात है, कबूतर उड़ने के मूड में है भाई। संभाल। हाँ मूड बना के मेरे पे ही टूट मत पड़ना।